गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, असा 12 सिंधी जो सेकंड टर्म पेपर 2020 जो सॉल्व कर रहे हैं। इन या ब पार्ट अस कर चुका हूं, आज उन सा अगते करना सी। त इन खा अगते वारो जो क्वेश्चन आहे विभाग डी शनाख्त, इन में आहे एकड़ो निजम या टुकुर देखो पढ़ी अस उन हेठा जो क्वेश्चन सेनल आए उन के लिखंदासी। तो पहले निजम पढ़ी वठू को नया जवाब लिखो। न कैसा दुश्मनी पेंजी, न कैसा दिल लगी पेंजी, वतन सा इश्क आ पेंजो, वतन आ बंदगी पेंजी। अर्थ भी समझ में आई नासी, जेकर एक दफो न समझ में अचे तब वो बियो दफो पढ़ना सी। ऐ पोए वरी क्वेश्चंस के ध्यान में रखी, क्वेश्चंस के पढ़ी करे उन्हें आंसर बोलने हिसाब से या टिक करने हिसाब से असा उनके पढ़ना आई ना सी। क्वेश्चंस के आंसर्स टिक करना आई ना सी, वो उन लाइनों के आंसर्स जी के उनके असा पहले नखर में लिखी करे जवाब के पूरो करना सी। जे बिल्कुल न तो अचे असा के लिखण में या दिक्कत थी थे तो वह सागी बैत जी लाइन लिखी ना सी, खाली न छे ना सी। तन मेन सिटन में चला असा के कैसा दुश्मनी कोने ए न कोई असा के कैसा प्रेम आहे, असा के को प्रेम आहे पहले वतन असा ए वतन ही असानी बंदगी आहे इनकी पूजा आहे। नेक्स्ट आहे अजब तूफान भल के दा डकाए की न सगंदा से, रहे कंडन जे चौधारी मिसल गुल जिंदगी पहनजी। केडा व तूफान अचन असा के न डकाए सगंदा, यानी कि केतरू भी तकलीफू अचन असा के वे डकाए न सगंदी। जेकडे असा दी कंडन जे रही करे जिंदगी आहे, पासे में कंडा हो जन यानी कि तकलीफ हो जन तरह भी असा गुलाब ही गुल वांगु पनी जिंदगी के इतरो सुठो है सुरहो कनासी जो पतो ही न पवे ता से पासे में इतरा कंडा या तकलीफ हो आहे। असा पैगाम दुनिया के दिनो शांति जो दायम आ, सजे संसार सजो संसार जाने तो अमन आ बंदगी पहनजी। असल सारी दुनिया के जो है शांति जो पैगाम दिनो है ना, जो शांति है ना उनके सब फैलाव कहीं था ऐसा जो संसार यो ही जाने तो ता असल के शांति शांति रूपी असल के जो है पूजा करनी है, यानी कि सबने जो विच में शांति कायम रहे यह ही असल के पूजा करनी है। था आतंकवाद जा हामी करण चाहिन वतन बर्बाद, वतनवासी रखो एको रहे आसूदगी पहनजी। आतंकवाद जो कि हामी हैं यानी कि जो आतंकवादी हैं वो पहले वतन के बर्बाद करण था चाहिन, इन करे वतनवासी तवा एको रखो यानी कि एकता रखो पाण में त जी पहली आसूदगी कायम रहे, यानी कि जो अस हरा भरा आयो पैसे वगैरह में खाते पीते में जी सुठा आयो ये असा जो है सुठा हमेशा रहो। लड़ी न्याणो मरी न्याणो वतन जी आबरू सदके, गदारन के दियो से गदारन के दियो सेखत रहे आजादगी पहनजी। चवन था लड़ी न्याणो मरी न्याणो अस पहले देश के वास्ते जो है वो लड़ी भी न्याणो था ए मरी भी न्याणो था। जेकर कोई गद्दार है देश का कोई गद्दारी था कन उनके असा के सेख तो दियण घुर्जे, यानी कि उनके कुछ सजा दियण खपे जी असा जी आजादी कायम रही सके। हाँ इन पुठा जो क्वेश्चंस दिनल उनके असा पढ़ी कर उनका जवाब लिखंदासी। बाठ नंबर सवाल है शायर वतन बाबत कहड़ी भावना जो इजहार कयो आहे, शायर वतन बाबत या भावना जो इजहार कयो आहे, इन भावना जो इजहार कयो आहे कि असा के कैसा दुश्मनी ए प्रेम कुछ भी ना है, असा के तरफ पहले वतन सा ही प्रेम आए ऐसा नहीं वतन असा जो वतन ही पूजा आए। नेक्स्ट आहे असा सगे संसार के कैडो पैगाम दिनो आहे, असा सगे संसार के शांति जो पैगाम दिनो आहे। वतन की आसूदगी करे कायम रखी सकबी, जरह आतंकवाद जा जके हामी आहें उनन जे दहा असा जेको आहे ध्यान न दियो पहले पान में एको रखूं एकता रखूं तरह ही
या वतन जी बंदगी। ठीक है, वतन जो तरह भी ठीक रहंदो। नेक्स्ट जो कोहे एक नल नसल टुकुर पड़ी हुन जे था नल सवाल का जवाब लिखो। वण बियन जे वास्ते छाव नींदा आहिन। इन खा पहले मार जो को सा बोर्ड पेपर कयो सी हुन में यो सागो पैराग्राफ हो ए वो सागो क्वेश्चंस पूछे लाइन इन करे ने सा रिपीट न था कयो। नेक्स्ट रहे हेठनल नसों जो टुकुर पड़ी अटकल टे हिस्से में इक्तिसार करे ठहकदड़ सिरो रियो तन के सा पढ़ू था। इंसान की जिंदगी न फकत अजीब आहे पर दिलचस्प पिण आहे। बचपन में हु तमाम मासूम ए आईने वांगुर मुंह ते साफ चैनियण वारो आहे, साफ बुधायण वारो आहे। इन में समझ घट अथस पर सिखण जो मादो साध है। सिखंदो वधिक आहे, मादो यानी कि कैपेसिटी इन में वधिक आहे सिखण जी। नंढड़ो बार जल्दी जल्दी सीखी सकंदो आहे। साई हुनर में टिमटार आहे, यानी कि कुछ सेखारियोसि त हू सिखी वेंदो। जड़ी परवरिश कबस तहड़ी तरह उसरंदो, यानी कि वधंदो। हाणे अॻियां आहे विची ॾही ते पहुतो त अधीर निडर थी पवंदो। जवानी चरी उम्र आहे, यानी कि हुन में कुझु ख़बर न पवंदी आहे घणो पंहिंजे जोश में हू हलंदो रहंदो आहे। रत गरम ऐं रगुन में जोश, इन करे उन अॻु पोइ जो वीचार न करे उमंग महीणो उबहरो, यानी कि हुन में उमंग घणा हूंदा आहिनि, उबहरो यानी कि तकिड़ो हूंदो आहे ऐं उतावलो नज़र ईंदो आहे। ऐं मन जी मुराद पाइण लाइ सिर जी बाज़ी लॻाइण खां बि न हिटकंदो आहे। हिन जो इक़्तिसार करिणो आहे कि सार लिखिणो आहे वन थर्ड करे। त असां जेके ख़ासि ख़ासि लाइनूं आहिनि टे उमिरि ॿुधाई, ॿ उमिरि जेके ॿुधाई, हिकु बचपन ऐं ॿियो जवानी। जवानी में छा हूंदो आहे ऐं बचपन में कीअं हूंदो आहे सिखण जो मादो, हुन जे बारे में असां लिखंदासीं। त शुरूआति था कयूं हिन सार जी। ज़िंदगी इंसान जी ज़िंदगी न फ़क़त अजीब आहे पर दिलचस्प पिणु आहे। बचपन में हू तमामु मासूम ऐं आईने जीअं मुंहं ते साफ़ ॿुधाइण वारो आहे। इन में समुझ घटि अथसि पर सिखण जो मादो ज़्यादा आहे। उन खां पोइ आहे विची ॾही ते पहुतो त अधीर ऐं निडर थी पवंदो ऐं मन जी मुराद पाइण लाइ सिर जी बाज़ी लॻाइण खां बि न हिटकंदो। हिन जो सिरो जेको आहे नालो उहो आहे ज़िंदगी। ठीकु आहे, इन खां पोइ जेको आहे हेठियों फुकरे जे जुमिलनि खे सिलसिले अनुसार सिलसिलो ज़मान अनुसार ठाहे लिखियो। त मां साजो उथंदो होसि, तयार थी नंदन पाणी कंदो होसि, पोइ बाग में ताज़ी सुबुह हवा खाइण वेंदो होसि। त हीउ जेको आहे सॼो पास्ट टेंस में लिखिणो आहे। हीअ असां जेके ग्रामर एकम कया आहिनि उन्हनि में ई करे चुका आहियूं, इन करे हिते हिन खे रिपीट नथा करियूं। ठीकु आहे, नेक्स्ट आहे विभाग ई लिखण जी शनाख़्त। तव्हां हिंदवासी अख़बार में विज्ञान उस्ताद टीचर यानी कि साइंस टीचर जी नौकरीअ जी ज़ाहिरात ॾिठी आहे। उन जॻह लाइ अटल 100 लफ़्ज़नि में अहमदाबाद जे प्रिंसिपल खे दरख़्वास्त लिखो। त दरख़्वास्त लिखणु तव्हांखे ग्रामर एकम 6 में ॿुधाई वई आहे। उहा ई तरीक़े सां असांखे दरख़्वास्त लिखणी आहे टीचर जी नौकरीअ लाइ। पंहिंजो बायोडाटा यानी कि छा छा असां पास कयूं आहिनि, डिग्रियूं कहिड़े साल में ऐं घणी परसेंट सां पास कयूं आहिनि ऐं उन खां पोइ जेकी सर्टिफिकेट्स अटैच कया आहिनि। लास्ट में तव्हांजो विश्वासी ऐं एक्स वाय ज़ेड लिखी छॾींदव। पंहिंजो रोल नंबर बि न लिखंदव, नालो बि न लिखंदव, एक्स वाय ज़ेड या क ख ग या अ ब स। त हिन खां पोइ और क्वेश्चन आहे 75 हेठि चवणियुनि मां कंहिं बि हिकु चवणीअ जो मतिलबु सम्झायो, उपटार करियो। जहिड़ी दृष्टि तहिड़ी सृष्टि। ऐं ॿियो आहे लिखियो मुंहिंजे ललाट कलम क्यारी न वहे। या में आहे नदीअ में खणी ॿोड़ अचण करे किनारे ते रहंदड़ माण्हुनि खे काफ़ी नुक़सानु थियो आहे। उन हक़ीक़त जो बयान कंदड़ अहिवाल अटकल 100 लफ़्ज़नि में लिखो। त नदीअ में ॿोड़ अचणु सबबु किनारे ते जेके माण्हू आहिनि उन्हनि खे नुक़सानु जेको पहुतो आहे उन बाबति जेको अहिवाल आहे उहो तव्हांखे कराए
ग्रामर एक में उन में कराया हुआ है इन कर हिते वरी रिपीट न तो कजे बाकी प है न उतार एकड़ो जेडी दृष्टि तेडी सृष्टि ए पी आहे लिखियो मंज ललाट कलम क्यारी न वही इन में लिखे सो डिस्कस कयो था द पहरो आहे जेडी दृष्टि तेडी सृष्टि सबनी खा पहरी उतार के समझना है सुंदरता प्रकृति जी अनमोल नेमत आहे बागीचो उहो वणंदो आहे जंहिंमें सुठा सुहिणा गुल हुजनि ऐं गुल उहो वणंदो आहे जंहिंमें ख़ुशबूइ हुजे तलाउ उहो वणंदो आहे जंहिंमें सुठा सुहिणा कमल जा गुल हुजनि ऐं बदक हुजनि स्त्री उहा वणंदी आहे जंहिंमें सुठा सुहिणा लछण हुजनि ऐं लहर जो लोलो हुजे अहिड़ी तरह सां ॿोली उहा वणंदी आहे जंहिंमें सुठियूं चवणियूं ऐं इस्तलाह हुजनि हीअ बि हिकु अहिड़े क़िस्म जी चवणी आहे हिन में आहे जहिड़ी दृष्टि तहिड़ी सृष्टि दृष्टि यानी कि अखियूं पाण जूं जिते वञनि थियूं उहो नज़ारो जेको ॾिसूं था उहो दृश्य आहे जहिड़ो असां दृश्य ॾिसूं था उहो पंहिंजियुनि अखियुनि ते मदार थो करे उहो असांखे सुठो थो लॻे या नथो लॻे हा न उहा ई असांखे सृष्टि जे रूप में नज़र ईंदो आहे जेकॾहिं कंहिं तव्हां बाग़ीचे में घुमणु वियव पर तव्हांजो मूड ख़राबु हो त तव्हांखे मज़ो न ईंदो उते जी जेका आहे ॻाल्हि हरुभरू ॾाढी वणंदी कोन या कंहिं माण्हूअ खे ॾिसियव तव्हां उन सां गॾिजियव त तव्हांखे जेको आहे पंहिंजे मन जूं भावनाऊं जेको हूंदियूं उन अनुसार तव्हांखे उहो साम्हूं वारो माण्हू लॻंदो जेकॾहिं तव्हांजो कोई दोस्त आहे त तव्हांखे उहो ॾाढो वणंदो तव्हांजो उनजो स्वभाव तव्हांखे ॾाढो वणंदो तव्हांजो स्वभाव ॿिए खे ॾाढो वणंदो पर जेकॾहिं ॿिए कंहिंसां गॾियव जेको शख़्स तव्हांखे नथो वणे त हू बि तव्हांखे पसंदि न कंदो इहो हर कंहिं माण्हूअ जी पंहिंजी दृष्टिअ ते मदार रखे थो कि असांजी दृष्टि कहिड़ी आहे असांजो जेको आहे ॾिसण जो तरीक़ो कहिड़ो आहे असांखे कहिड़ो माण्हू सुठो थो लॻे हिकिड़नि माण्हुनि खे हिकिड़े तरीक़े जा कपिड़ा फैशन वणंदो आहे ॿियनि खे ॿिए तरीक़े जो ठीकु आहे न त इहो थी वियो जहिड़ी दृष्टि असां जहिड़ी साम्हूं ॾिसण जे लाइ भावना रखंदासीं उहा ई असांखे ॾिसण में ईंदी हिन जो हिकिड़ी पीउ बि हमाना उपटार थी सघे थी कि जहिड़ी भावना ओड़ो ई फल मिले थो ठीकु आहे त हिन जो मतिलबु आहे कि असांजो जेको ॾिसण जो तरीक़ो आहे ओड़ो ई असांखे सृष्टि ॾिसणु अचे थी ओड़ो ई असांखे संसार ॾिसण में अचे थो हिन सां हिकु कहाणी जुड़ियलु आहे उहा बि मां तव्हांखे ॿुधायां थी उहा असां लिखी सघूं था पोइ हुन सां पोइ असां वञी जेका हिन मां शिक्षा मिलंदी हुनखे लिखंदासीं त हिकु दफ़ो हिकु गुरु हो उहो पंहिंजे ॿिनि चेलनि खे यानी कि शिष्यनि खे चवे थो कि तव्हां हितां खां थोरो परे वञो ऐं कंहिं सुठे माण्हूअ खे ॻोल्हे करे वठी अचो हिकु जेको सुठो माण्हू हो उनजो स्वभाव सुठो हो उनखे चई वञी करे सुठे माण्हूअ खे वठी अचु ऐं ॿिए जी दृष्टि यानी कि ॿिए जो स्वभाव सुठो न हो उनखे बि चई त तूं वञी करे कंहिं सुठे माण्हू खे वठी अचु ॿई बाज़ारि में विया ऐं वञी करे कंहिं सुठे माण्हू जी ॻोल्हा करणु लॻा त हाणे जेको आहे थोरे वक़्त खां पोइ जेको सुठो माण्हू हो उन हिकु सुठे तमामु धर्मात्मा माण्हूअ खे आणे करे गुरूअ जे अॻियां बीहारियो पर ॿियो जेको हो माण्हू जेको पाण सुठो न हो वीचारनि जो या दिलि जो सुठो न हो उहो सॼो ॾींहुं पियो घुमियो पर हुनखे शाम ताईं को बि सुठो माण्हू नज़र न आयो छोकी हुनजी दृष्टि सुठी न हुई हुनजा वीचार सुठा न हुआ हुनजी भावना सुठी न हुई इन करे हुनखे को बि माण्हू सुठो नज़र में न आयो उहो शाम खां पोइ ईअं ई मोटी आयो चई गुरू जी मूंखे को बि सुठो माण्हू नज़र में न आयो आहे हाणे वरी ॿिए ॾींहं ते उन छा कयो कि ॿिन्ही खे चई तव्हां कंहिं बुरे माण्हू खे जेको तमामु बुरो माण्हू हुजे उनखे ॻोल्हे करे मूं वटि वठी अचो त जेको तमामु सुठो माण्हू हो उन जूं भावनाऊं सुठियूं हुयूं नेक दिल हो उहो जल्दी वञी करे ॻोल्हणु लॻो कंहिं बुरे माण्हूअ खे पर सॼो ॾींहुं ॻोल्हण सां पोइ उनखे को बि बुरो माण्हू नज़र में न आयो उहो ईअं ई गुरू जी वटि वापसि मोटी आयो चई गुरू जी मूंखे को बि माण्हू जेको आहे बुरो या ख़राबु न नज़र में आयो इन करे मां ईअं ई मोटी आयो आहियां ऐं ॿियो जेको हो माण्हू उहो सॼो ॾींहुं घुमियो न पर जल्दी कंहिं बुरे माण्हू
आयो आहे त जेडी जेके दिसण जी आहे भावना ओड़ो ही उनके मानू नजर में इंदो ओड़ो ही उनके संसार नजर में इंदो ए वो ही जेको आहे उनके फल प्राप्त थिंदो ए ओड़ो ही मान चुका वो पहली भावना जो इजहार करे इन मां असा के इहा ती शिक्षा मिले त असा के हमेशा पहली भावना सुठी रखण घुरजे सुठी रखन घुर्ज ती असके संसार में ओड़ा ही मू नजर में अचन एड़ो ही असो फल मिले। हाँ नेक्स्ट है लिखो मंज ललाट कलम क्याड़ी न वहे क्याड़ी यानी कि कंद ठीक है। हाँ इनके असि का पैर शुरू क्यों कहसी तो सुंदरता प्रकृति की अनमोल नहमत है ये सजो पैराग्राफ अस पैर लिखी वासी इनके वरी रिपीट नथा करी ए पोए न जो अखरी अर्थ लिखना सी लिखियो मंज ललाट ललाट माने हते किस्मत चोंदे हते असन निरण ते लिखे लंदी है इन निरण के चोंदे ललाट जेकरे तमने किस्मत में कुछ लिखे लाही काव दाल तमने किस्मत में लिखे लाही ए तमने के मटाने की कोशिश ता कयो की गाल के ये वणे नथी मुनी किस्मत तो मट जण घुरजे ए मुखे कुछ अन्या मिलन खपे सब चाहे केतर भी कोशिश कयो कोई धन प्राप्त करने की कोशिश करे पर सुबह हाँ करे रात तीन कोशिश करे जैसे उनके कुछ भी प्राप्त न थे तो वो ये सोची है कि मुझे किस्मत में कुछ न हो इन कर कुछ भी प्राप्त न थो है तो ये चवंदा कि जैसे कें ललाट से यानी कि किस्मत में जो लिखल है उनके नथो प्राप्त थी सके यानी कि तुम जैसे पा कुछ लिखण चाहो कलम से पेन से लिखण चाहो तो वो जो है कर नथा सको भले तुम्हें जान की बाजी लगायो यानी कि कलम है वो क्याड़ी से वही नथो सके कंध से वही नथो सके यानी कि तुम केतरी भी कोशिश कर भले जान की पूरी बाजी लगायो पर वह तक है कदें कदें शह नसीब नी आए वो चवंदा हार जी करे कि असि किस्मत में यो न लिखल है तो चवंदा जो किस्मत में लिखल हों वो जरूर इंसान के प्राप्त है पर जो किस्मत में न लिखल है तो वो प्राप्त ना जुड़ल तहानी भी लिखी सको था कि एक दफो एक गरीब इंसान हो तमाम गरीब हो ए तमाम दुखी गुजारी हो कदें खाण ला पूरी रोटी भी न मिली हुई हाँ एक वो जो गरीब इंसान है वो वन पो कि एक दफो शिव ए पार्वती भगवान शिव ए पार्वती माता अची लंघिया माता पार्वती के उनते ढी दया अची वही चे ही जो है ढो गरीब इंसान है तो इनते भगवान तुम कुछ दया कर इनके जी कुछ खाने ला मिली पवे या इनको है गरीबी में पैसों मिली पवे भगवान शंकर खड़ी समझाई माता पार्वती के कि न तह इन गाल हटी वनो इन किस्मत में कुछ लिखल ही कोने इनके जो केतरी भी मेहनत मिलो तो मुश्किल से ब वक्त की रोटी मिलस इन उन कुछ मिली न तो सके तरह माता पार्वती चई कि न तह इन जरूर कुछ न कुछ दियो शिव भगवान चई ठीक है मां तवजो चवण मान रखी कर कुछ पीण की कोशिश तो क्या उन गरीब के अगर बई जणा प्रकट थिया शंकर भगवान ए पार्वती माता ए सुंदर हीरन जो हार डी कर चयाई तो तू ये खड़ी वन विकणी कर घर में जो है सीधो सामान वी कर सुठी तरह से तुम्हें बिन वक्त की रोटी खाई था सको वो ढो खुश थो गरीब इंसान ए उनके एडी खुशी थी से वाह अरे मुझे मेहनत करने से सवाई चुको है खूब धन प्राप्त थोड़ा भगवान मुझे सुठो दिनो है हीरन जो हार उनके मथे से पगड़ी बधल हुई उन्हें लाहे करे उन पगड़ी में वो हार वेड़े करे रखियो ए वापस पगड़ी पहने मथे से पाए सही थोड़ो वक्त अगे हलन हो अगड़ी नदी पे वही उनके ढी उ लगी सोचे कि मैं इन पानी पी वा गर्मी ढी हुई उस होने के उन सोचो कि मां थोड़ा हथ मुँह धुआं या स्नान क्या पानी पियां अगते मैं घर डा वेंदुस तो उन सोचो कि हिरन जो हार है मत कि किरी न पवे नदी में न पैजी वे
उन पगड़ी ला रखी ए हिरन जो हार जो है रखी कर पगड़ी ढके कर रखी तो एतरे में वो जी आई अने स्नान पे कयो या पानी पीने के लिए अगर वो नदी के तो मथों का एक सिरण सिरण यानी कि वो बास है तो वो जो है अची लंघो एनको है लगो तो ढी सुणी सुंदर का शय पई है हेट जी ही पगड़ी खई तो हेठा हिरन जो हार उन ढी चमकड़ शय लगी तो उन हिरन जो हार चेंब में खो ए उड़ामी कर हली गई। हाँ वो गरीब इंसान ढो वेचारो दुखी थी वो अजा नदी में ही हो तो सिरण उन हिरन जो हार खड़ी कर हली गई। हाँ वो करे दुखी थो ए मोटी आयो वापस जंगल किनारे थे वह पगड़ी पाए करे वापस हलो वरी कोई सजो डी जी मेहनत का उनके रात ताई बिन वक्त की रोटी जो है मुश्किल से पैसो मिलो ए वो घर खड़ी करे अची पौतो ए अची करे उन जाल मुड़सन घर में रोटी खाधी। त शंकर भगवान पार्वती माता ने बुधा दसो इन किस्मत में कुछ भी न लिखल हो पैसो दिनों हीरन जो हार दिनों पर उनके नसीब न थो पैसो वो कह तरह से वो हली तो ये आखाणी जो है असि इहाती शिक्षा दे कि जैसे कहीं किस्मत में कुछ लिखल है तो उनका मेहनत करण से वो उनके ओतरो ही प्राप्त थो जो उनके किस्मत में लिखल हों पर इनको मतलब इो ना है कि असि मेहनत करण छे दूँ सजे साल की मेहनत के विद्यार्थी परीक्षा के परिणाम के लिए उतावलो हों सोचि कि मुझे परीक्षा में सुठी मार्कू अचन तो वह सजो जो है आधारित होंगी सजे साल की मेहनत जो विद्यार्थी ये सोचे कर वही रहे कि मुझे किस्मत में लिखल हों तो पा ही पास इंदुस तो यह गाल गलत है यानी कि कोशिश पूरी कजे उन भी थी सके तो कहीं कोई पेपर लिखो अचे या कुछ अड़ा सवाल होजन जो कुछ ट्विस्टेड होजन तो अस उन पूरी तरह से हल न कर सकूँ तो उनमें जो थोड़ी मार्कू कटी हुई तदें भी असठ मार्कू काफ़ी अची वस पास थी तो असें हमेशा कोशिश करनी घुर्ज लेकिन ये जरूरी साथी बुधाए कि जैसे किस्मत है तो असि जरूर सुठी मार्कू अची व्यू पर असि कोशिश तो हमेशा पा करनी होंगी है। ठीक है हाँ नेक्स्ट जो है नदी में बोल अचान सबब जो है वो अस ग्रामर एक में किया है इन कर रिपीट न कदी इन है निबंध कें भी एक विषय से 250 लफ्जन में मजमून लिखो तो इनमें टे पैरों है टेती लेती जो मिसैलो ही काफ़ी पहरी मिसैलो हों कि छोकरन के शादी कर वेंदी हुई उनके तंग किया वो रेती लेती लाइ इनके भी तक डिस्कस कर छा यो शायद ग्रामर के पेपर्स में कोने तक एक पेपर डे भी छींदस जेरोक्स कराए तो सुी तरह से डिस्कस कदी फिलहाल अस गल कुटुंब ए जुदा कुटुंब से एक मजमून के डिस्कस क्यों था ए देश जो आधार वोट तई ग्राम सुधार वो जो मजमून पढ़ोसी वो ही सजो इतने लिखी छींदी हिंसर इन सेशन में अस डिस्कस क्यों था गल कुटुंब ए जुदा कुटुंब अचो तो ऐसू गडियल कुटुंब जा फायदा ए नुकसान तो पर्यों कुटुंब जा रूप पॉइंट्स में दिनल अनेक फायदा नुकसान गडियल कुटुंब जो टुटण पछाड़ी असि समाज में कुटुंब जा मुख्य ब रूप है एक गडियल कुटुंब ए बो जुदा कुटुंब गडियल कुटुंब में दादो दादी माता पिता पुट पोटा चाचा चाची वगैरह अनेक कुटुंबी गड रहंदा हैं परिवार की जायदाद यानी कि पैसो आमदनी यानी कि जो इनकम है जो पैसो अचे तो घर में वगैरह की व्यवस्था परिवार जो सभी का वो मानू मुखिया कंदो आहे गड रहण करे कुटुंब के भाती में पान में प्रेम वधंदो आहे उन्हन में सहयोग की भावना जो विकास थींदो आहे गडियल कुटुंब में एक ही चूल्हे ते कम हलंदो आहे ए थोड़े खर्च
विधवा बुढ़े अपाहिज वगैरह के अकेलो रहने में तकलीफ थींदी आहे पर वॾनि कुटुंब में सब सुख सां रही सघंदा आहिनि। शादी प्रतिभोज सालगिरह सफ़र वग़ैरह में जेकी ख़ुशी ऐं उत्साह वॾनि कुटुंब में ॾिसण में ईंदी आहे उहो अलॻि परिवार में दुर्लभ आहे। वॾनि कुटुंब जे माण्हू खे कंहिं हादसे कुझु हुनखे थी पवे तकलीफ़ थी पए बीमारी थी पवे बीमारी वग़ैरह में कुटुंब जे माण्हुनि जी ख़ासि मदद मिलंदी आहे। हिकु माण्हू जेकॾहिं बीमार थी पियो त सभु हुनखे मिली करे मदद कंदा आहियूं उथारे वठंदा ठीकु आहे न पैसे वग़ैरह जी ख़ासि दिक़त न ईंदसि। गॾियल परिवार जा कुझु नुक़सान बि आहिनि हीअ फाइल में अथव ग्रामर जो इहो ग्रामर जो फाइल में निबंध आहे। गॾियल कुटुंब में घणेई भेरा झगड़नि जी ज़हरीली हवा फैलिजी वेंदी आहे। अलॻि अलॻि वीचार आदर्श ऐं स्वभाव जे माण्हुनि जे विच में कलेश थींदो आहे यानी कि झगड़ो थी पवंदो आहे। पीउ पुट जी पाण में बणजंदी कोन्हे भाउ भाउ जा संबंध टुटी पवंदा आहिनि। ॾेराणे ऐं ससु नुंहुं जी महाभारत छिड़ी पवंदो आहे। एतिरे क़दुरु जो कॾहिं कॾहिं त कुटुंबी झगड़नि जे करे ज़ाल मुड़ुस जे मधुर जीवन में बि कटुता अची वेंदी आहे। ज़ाल मुड़ुस पाण में विढ़ी पवंदा आहिनि। गॾियल कुटुंब में कमाईंदड़ माण्हू जी आमदनी हिकु जहिड़ी न बि हुजे पर ख़र्च त सभिनी लाइ हिकु जहिड़ो ई हूंदो आहे छो कि हिकु ॼणो वठे थो कुझु शइ त ॿिए खे बि उणी वठी ॾिनी वेंदी आहे। इन करे कमाईंदड़ माण्हूअ ते वधीक बोझ पवंदो आहे ऐं ॿिया आराम सां रहंदा आहिनि। हमेशह वॾनि जे वधीक असर जे करे जवाननि जो साहस ऐं सुधार बि पूरो न थी सघंदो आहे। वॾा हूंदा आहिनि तंहिं करे जवाननि जो जेको आहे साहस वधीक न हूंदो आहे ऐं उन्हनि में सुधार बि पूरो न थींदो आहे। भारत में गॾियल कुटुंब धीरे धीरे नष्ट थी रहिया आहिनि। मुंबई कलकत्ता दिल्ली अहमदाबाद जहिड़नि वॾनि वॾनि शहरनि में जॻह जी कमी थी थिए इन करे गॾियल कुटुंब पंहिंजो पाण ई टुटंदा था वञनि। अलॻि अलॻि धंधे जे करे बि गॾियल कुटुंब टुटंदा था वञनि। जेको धंधो अलॻि आहे त हू सोचींदो की मां अलॻि जेको आहे ॿिए शहर में वञा थो धंधो करण लाइ त हुते ई पंहिंजो घरु ठाहे रहंदसि या नौकिरियुनि जे करे ॿिए शहर में वञनि था त पोइ हुते ई घरु ठाहे था रहनि। अंग्रेज़ी पढ़ाई ऐं पश्चिमी संस्कृति जे प्रभाव करे अॼु कुझु माण्हू पंहिंजी अलॻि खिचड़ी रधणु वधीक पसंदि कंदा आहिनि यानी कि अलॻि पंहिंजी रोटी ठाहिजे अलॻि रहिजे। हाणोकियुनि हालतुनि खे ॾिसंदे गॾियल कुटुंब जो खंडन या मंडन आसान न आहे। उन बारे में हा चइजे या न चइजे उहो कुझु आसान न आहे पंहिंजे वीचारनि ते निर्भर थो करे। तॾहिं बि जेके माण्हू अॼु बि गॾियल कुटुंब में रहंदा आहिनि उन्हनि खे खपे त थोरो घणो सहन करे बि गॾियल कुटुंब जी मिठास जो अनुभव कंदा रहनि की गॾियल कुटुंब में कीअं हू मिठा रही सघनि था उन्हनि जो अनुभव कंदा रहनि। हिन सेशन में एतिरो ई था कयूं पोइ अॻियां वरी नेक्स्ट सेशन में हिकु ॿियो पेपर खणंदासीं ऐं दहेज प्रथा जे बारे में बि मां तव्हांखे इहो निबंध हिकिड़ो डिस्कस कंदसि। ओके okay?